नमस्ते। आज हम आधुनिक काल में जो कुछ मनोचिकित्सा विकसित हुई है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आयुर्वेद में सत्वावजी चिकित्सा, यह एक मनोचिकित्सा है। अपने चरकाचार्य ने यह मनोचिकित्सा बताई है, लेकिन आधुनिक काल में जो मनोचिकित्सा शुरुआत हुई वो 120 बरस पूर्व हुई और वो सिगमंड फ्रॉइड ने उसकी शुरुआत की। तो सिगमंड फ्रॉइड के पहले जो मनोचिकित्सा होती थी वो ज्यादातर हिप्नोथेरेपी थी। तो फ्रॉइड भी डॉक्टर होने के बाद जब उन्होंने ये तय किया कि मैं मानसिक रोगी को चिकित्सा दूंगा, तो उन्होंने भी पहले हिप्नोथेरेपी देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि हिप्नोथेरेपी से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हिप्नोथेरेपी में जो पेशेंट को ट्रांस स्टेट में लेना आवश्यक होता है वो पेशेंट ट्रांस स्टेट में जाते नहीं है। तो फ्रॉइड ने अलग अलग तरह से पेशेंट से वो डील करने की कोशिश शुरू की और उसके कारण ही जो कुछ थेरेपी डेवलप हुई, तो उसे उन्होंने साइको एनालिसिस ऐसा नाम दिया। सो मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज साइकोथेरेपी। फ्रॉइड ने ऐसा सोचा कि हिप्नोथेरेपी क्यों लोग यूज करते हैं, कि ऐसा ऐसी एक धारणा थी कि लोगों का जो कोई पेशेंट होता है उसके मन में कोई ना कोई छिपा हुआ रहता है, और जो कुछ छिपा हुआ रहता है उसके कारण ही उसे मनोविकृति होती है। तो फ्रॉइड के काल में भी मनोविकृति दो तरह में क्लासिफाइड की जा रही थी, एक तो साइकोसिस और दूसरा न्यूरोसिस। तो जो साइकोसिस है उन्हें उस समय असाइलम में, जो अब मेंटल हॉस्पिटल में जिसे परावर्तित हुए हैं, तो वो उस समय भी में भी थे। तो जिन्हें कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि मुझे बीमारी है, वे साइकोटिक पेशेंट थे, तो उनके लिए मनोचिकित्सा लाभदायी नहीं थी। लेकिन जो पेशेंट कम्युनिकेशन कर सकता है और जिसे इसका अवेयरनेस है कि मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें न्यूरोटिक ऐसा कहा जाता था, और उनके लिए सिगमंड फ्रॉइड ने पहले हिप्नोथेरेपी ट्राई की, लेकिन उसका असर नहीं दिखाई देता है ऐसा जब उन्हें एहसास हुआ, तो उन्होंने ये साइको एनालिसिस शुरुआत की। तो साइको एनालिसिस में जो डॉक्टर रहता था वो पेशेंट के पीछे खड़ा रहता था या बैठता था, और पेशेंट को उसके मन में जो कुछ आ रहा है वो बातें करने के लिए वो प्रेरित करता था, और वो जो कुछ पेशेंट बातें कर रहा है वो जो थेरेपिस्ट था वो नोट डाउन करता था, और वो जो बातें हैं उस बातों के हिसाब से, यानी कि उनके मन में जो कुछ विचार आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं, उनका एनालिसिस, उनका विश्लेषण करना, यही सिगमंड फ्रॉइड की यह मनोचिकित्सा थी। तो ये विश्लेषण करते हुए उन्होंने कोई सिद्धांतों की रचना की, सिद्धांतों हाइपोथेसिस कोई उन्होंने बताए। उनमें से कई हाइपोथेसिस अभी भी यूज किए जाते हैं। तो उनमें से एक बहुत बड़ा उनका हाइपोथेसिस था कि मनुष्य का मन सजग मन, जागृत मन और सुप्त मन, ऐसे दो तरह का होता है। तो ये जो
अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड, ये फ्रॉइड ने पहले शब्द पहले यूज हुआ था, लेकिन वो फ्रॉइड ने पॉपुलर किया और उन्होंने ये बताया कि अपने ये अनकॉन्शियस माइंड में, यानी कि जो हमें कॉन्शियस माइंड में हम जान नहीं सकते कि क्या हो रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये क्या होता रहता है, तो उन्होंने एक सिद्धांत की रचना की कि अपने मन में तीन पार्ट होते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में। उनमें से एक पार्ट को उन्होंने नाम दिया इड, और ये जो पार्ट है ये नेचुरल इंस्टिंक्ट के कारण मन में जो कुछ पैदा होता है वो इड है। तो काम भावना ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और इसीलिए ये जो इड है ये हर एक इंसान के मन में रहता है, उसमें काम वासना यही प्रभावी रहती है। लेकिन यह काम वासना काम भावना एक्सप्रेस करना ठीक नहीं है, तो कल्चर में कौन सी इमोशंस कैसी व्यक्त कर सके इसके कोई नॉर्म्स है, तो ऐसे जो कुछ नॉर्म्स है उन्हें उसने नाम दिया फ्रॉइड ने सुपर ईगो। तो ये जो इड और सुपर ईगो ये एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, और उनका संघर्ष कम करना यह अपने सबकॉन्शियस माइंड में और एक पार्ट होता है जिसे उन्होंने नाम दिया ईगो। तो ये इड यानी कि नेचुरल इंस्टिंक्ट और उसके कारण मन में पैदा होने वाले इमोशंस, सुपर ईगो यानी कि जो कुछ कल्चरल नॉर्म्स है ये ठीक है ये ठीक नहीं है ऐसे जो कुछ नॉर्म्स है, तो इन दोनों में जो संघर्ष होता है अगर वो संघर्ष बहुत बढ़ गया तो इमोशनल डिसऑर्डर या न्यूरोसिस होता है। तो यह संघर्ष बढ़ने नहीं देने के लिए ईगो कुछ ना कुछ करता रहता है, और ये सब अनकॉन्शियसली होता है। तो ईगो जो कुछ करता है उसे उन्होंने नाम दिया डिफेंस मैकेनिज्म, बचाव यंत्रणा। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म एक तरह से लाभदायी है कि उनके कारण ये संघर्ष अधिक बढ़ता नहीं है यानी कि न्यूरोसिस होता नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ जो कुछ होनी चाहिए वैसी होती नहीं है, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म ये एक तरह से मेरे मन में अनकॉन्शियसली जो कुछ इमोशंस है वो मैं रिप्रेस करता हूँ छिपाता हूँ, और उसके कोई बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है ये भी हमें मालूम होने चाहिए। तो उनमें से बहुत डिफेंस मैकेनिज्म आज भी हम यूज करते हैं। तो पहला डिफेंस मैकेनिज्म है रैशनलाइजेशन यानी कि बौद्धिकीकरण, यानी कि मेरे मन में जो कुछ भाव आता है जैसे कि कोई भिकमंगा व्यक्ति है और उसे मैं दान नहीं देता पैसा नहीं देता क्योंकि मुझे पैसा देना ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं उस कृति का समर्थन करता हूँ, उसका बौद्धिकीकरण करता हूँ, उसका रैशनलाइजेशन करता हूँ कि भीख मंगे को पैसा देना गलत है क्योंकि उससे उनकी भीख मांगने की आदत बढ़ती है। तो मेरा जो कुछ मैं कृति करता हूँ उसका असली इंटेंशन अलग होता है, लेकिन मैं उसका रैशनलाइजेशन करता हूँ और वही डिफेंस मैकेनिज्म है। तो दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है जब मैं कोई मेरा एक गोल है और मैं अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, लेकिन जब मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो अचीव करना संभव नहीं है नामुमकिन है, तो मैं उस गोल ही ठीक नहीं है वो अच्छा नहीं है ऐसा कहने लगता हूँ, तो वो भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। वैसे ही तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म है जो आज भी हम बहुत यूज करते हैं, उसे उन्होंने नाम दिया था परावर्तन या
जब मुझे एक इंसान का गुस्सा आता है, लेकिन उस इंसान पर मैं गुस्सा व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा बॉस होता है या कोई बड़ा आदमी होता है, तो वो गुस्सा मेरे मन में रहता है और वो अलग व्यक्ति पे व्यक्त होता है। तो ये भी एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म है। तो फ्रॉइड के थेरेपी में ये जो कुछ इंसान बताता है वो नोट डाउन करना, और वो कोई डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है क्या, और उसके इड ईगो और सुपर ईगो जो कुछ बातें करता है, तो जो कुछ विचार है वो उसका एनालिसिस करना, ये इड है, ये सुपर ईगो है। और जब वो पेशेंट बातें करना स्टॉप करता है तो उसे फिर से मोटिवेट करना, उसे कोई एक चीज बताना, जैसे कमर का बेल्ट, तो कमर का बेल्ट सुनते ही उसके मन में कौन से विचार आते हैं, तो वो विचार कहने के लिए उसे फिर से प्रेरित करना। तो उसे उन्होंने एसोसिएशन थ्योरी ऐसा नाम दिया था। तो जो कोई जो कुछ मैं सुनता हूँ उससे एसोसिएटेड जो जो कुछ यादें है वो मेरे मन में आती है। तो अगर कमर का बेल्ट सुनते ही कई लोगों में ऐसी याद आती है कि मेरे पिता मुझे कमर का बेल्ट से मारते थे, तो यह एक जो कुछ बचपन में जो कुछ बुरी ट्रीटमेंट उस इंसान को मिली है उसका एक सबूत होता है, और वो जो कुछ उन्होंने अब तक छिपाया रहता है वो उन्होंने अब व्यक्त किया। तो जो कुछ अनकॉन्शियस माइंड में हमने छुपा रखा है वो जब हम कॉन्शियस में लाते हैं तो उसका जो कुछ बैड इफेक्ट है वो हल्के हल्के कम होता है। यही ये सेल्फ, तो ये जो मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस की जो कुछ थेरेपी है वो इस सिद्धांत पे आधारित है। लेकिन यह जो थेरेपी है वो बहुत टाइम लेने वाली थी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग करने वाली थी, और उसका जो कुछ असर था वो भी उतना प्रभावी नहीं था। तो इसीलिए ये साइकोथेरेपी अब यूटिलाइज नहीं होती, वो अब एक तरह से आउटडेटेड है। लेकिन उस थेरेपी में ये जो इड ईगो और सुपर ईगो ये जो फ्रॉइड ने बताए थे उसमें कोई मॉडिफाई करके आज एक थेरेपी यूज की जाती है जिसे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ऐसा कहते हैं। तो ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस डॉक्टर एरिक बर्न इन्होंने ये 1960 में ये थेरेपी शुरू की। तो उन्होंने ये ईड को चाइल्ड ईगो ऐसा नाम दिया, और सिर्फ काम वासना ऐसा भाव न रख के जो जो ऐश करने की जो मेरे मन की भावना है, जो मजा लेने की भावना है, उसे उन्होंने ये चाइल्ड ईगो में दिया। तो चाइल्ड जैसा हमेशा एंजॉय करना चाहता है, तो जो जो मैं कुछ एंजॉय करता हूँ वो चाइल्ड ईगो के कारण है। सुपर ईगो जो कल्चरल नॉर्म्स थे उन्होंने नाम दिया पेरेंट ईगो। तो मेरे जो कुछ वैल्यूज है, मुझे जो कुछ ठीक लगता है, ऐसे विचार मन में जो कुछ आते हैं तो वो है पेरेंट ईगो के। और ये चाइल्ड और पेरेंट ईगो इनका बैलेंस करने वाला और सोच समझ के डिसीजन लेने वाला जो कुछ ईगो होता है वो है अडल्ट ईगो। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में अब व्यक्ति के मन में कौन सा ईगो प्रोमिनेंट है उसका एनालिसिस किया जाता है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बातें करती है तो वो भी ट्रांजैक्शन यानी कि कोई व्यवहार करते हैं, देते हैं कुछ लेते हैं, तो उस समय भी वो कौन से ईगो में है ये हम एनालाइज कर सकते हैं। और इस थेरेपी में ये एनालाइज करके उनका अडल्ट ईगो विकसित करना यह ध्येय होता है।
तो जब जो कोई डिसीजन लेना चाहिए वो एडल्ट ईगो से लेना चाहिए, वो चाइल्ड ईगो से अगर वो डिसीजन लेता रहेगा आदमी तो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो हमेशा प्लेजर सीकर रहेगा। और अगर वो प्लेजर सीकर रहेगा तो जो कुछ आगे का सोचना चाहिए, जो कुछ केयर लेना चाहिए वो करेगा नहीं। तो चाइल्ड ईगो से क्या अच्छा है, क्या उसे लगता है, कौन सी मजा लेनी चाहिए, ये लेना चाहिए, लेकिन डिसीजन कैपेसिटी चाइल्ड ईगो पे नहीं रहनी चाहिए, वो एडल्ट ईगो पे रहनी चाहिए। तो मैं एक घटना बताता हूँ कि जैसे मैं रास्ते पे चल रहा हूँ और एक आइसक्रीम पार्लर मुझे दिखाई दिया, तो मुझ में एक चाइल्ड ईगो जो है जिसे ये आइसक्रीम बहुत ही पसंद है तो वो प्रोमिनेंट हो गया और मेरे मन में विचार आई कि चलो एक आइसक्रीम खा ले, मजा ले ले। अब अडल्ट ईगो ने कभी ना कभी ये जो कुछ मजा लेने की, प्लेजर की जो कुछ इमोशंस आती है उसे भी न्याय देना चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो मेरा अडल्ट ईगो अब डिसीजन लेता है कि ठीक है चलो आइसक्रीम खाने के लिए मैं जाता हूँ, और वहां मेनू कार्ड देखता हूँ, मेरे जेब में कितने पैसे है वो देखता हूँ, और एक डिसीजन लेता हूँ कि ठीक है ये आइसक्रीम दे दो। तो वो आइसक्रीम खाने के बाद फिर से मेरे मन में भाव आता है और एक दिल मांगे मोर। तो ये जो दिल मांगे मोर है ये चाइल्ड ईगो है। अब मेरे मन में फिर से पेरेंट ईगो भी प्रोमिनेंट होता है और वो कहता है कि दो आइसक्रीम खाए तो गले में खिचखिच होने लगती है, तो बस एक दो आइसक्रीम खाना ठीक नहीं है। अब एडल्ट ईगो ने ये चाइल्ड ईगो को भी कंसिडर करना चाहिए और पेरेंट ईगो को भी कंसिडर करना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं पेरेंट डोमिनेटिंग अगर कोई व्यक्ति है तो वो चाइल्ड ईगो को हमेशा रिप्रेस करती रहती है, और जो कुछ अच्छा लगता है, मजा लेने की जो कुछ इमोशंस है वो लेती है, वो ले एंजॉय नहीं करता, वो हमेशा स्ट्रिक्ट और जो कुछ अपने मूल्य बताते हैं वो ही करता है, लेकिन उसे एंजॉयमेंट मजा इसका एक्सपीरियंस ही नहीं आता, तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन हमेशा चाइल्ड ईगो का सुनना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर दिल मांगे मोर ये मैं सुनता रहूंगा तो हमेशा प्लेजर सेंटर्ड रहूंगा। और आयुर्वेद में जो बताया है कि सुखकर और हितकर, इसमें डिफरेंस है, जो सुखकर होता वो हमेशा हितकर होता ही है ऐसा नहीं। तो चाइल्ड ईगो जब डोमिनेटिंग होता है तो वो हितकर क्या होता है जानता नहीं है, वो सिर्फ सुखकर क्या होता है वो जानता है। तो इसीलिए चाइल्ड प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट न नहीं होना चाहिए, मेरा एडल्ट ईगो प्रोमिनेंट होना चाहिए और विचार से मैंने चूज करना चाहिए कि चाइल्ड को कितना स्वातंत्र्य देना चाहिए और पेरेंट का कितना सुनना चाहिए। तो यह जो मनोचिकित्सा है ये आज भी इस्तेमाल की जाती है और इसके कारण जो कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है इस पे भी उसका असर होता है, और कॉरपोरेट ट्रेनिंग में ये बहुत ही यूटिलाइज होती है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है अपना उसमें भी ये ट्रांजेक्शन जो है, मैं क्या बात करता हूँ, जब अगर मैं पेरेंट डोमिनेटिंग हूँ तो मैं हमेशा कोई ना कोई उपदेश करता रहूंगा। इसके लिए ये थेरेपी यूटिलाइज होती है। तो यह साइको एनालिसिस या ट्रांजेक्शनल एनालिसिस ये पहली मनोचिकित्सा, आधुनिक काल में पहली मनोचिकित्सा है ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये मनोचिकित्सा ये एक नई एरिया सिगमंड फ्रॉइड ने आधुनिक काल में शुरू की। उसमें पहली लहर जो आई, पहली वेव जो आई वो थी बिहेवियर थेरेपी, यानी कि वर्तन चिकित्सा।
तो वर्तन चिकित्सा में सिर्फ वर्तन का एनालिसिस किया जाता है जो दिखाई देता है। तो एक आदमी हमेशा रोता रहता है या दूसरा आदमी हमेशा उसे कोई ना कोई भय रहता है, तो वह जो भय या रोना है वो कुछ ना कुछ उसका प्रोग्रामिंग के कारण है, और उस प्रोग्रामिंग को बिहेवियर थेरेपी में कंडीशन ऐसा बताया जाता है। तो वो कंडीशनिंग होता है अपने मन का, शरीर का, ब्रेन का, और उस कंडीशनिंग के कारण ये इमोशनल रिएक्शंस क्रिएट होती है। तो वो कंडीशनिंग चेंज करना यही बिहेवियर थेरेपी है। और ये बिहेवियर थेरेपी बहुत साल तक, यानी कि 1960 तक वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत डोमिनेटिंग रही। फोबिया के लिए वो बहुत ही असरमंद है। तो फोबिया ये भी एक तरह से कंडीशनिंग है अपने ब्रेन का। तो एक ठराविक स्टिमुलस जब होता है, अगर मुझे लिफ्ट का फोबिया हुआ है तो लिफ्ट का इमेजिनेशन करने से ही मुझे डर लगना लगता है। तो वो फोबिया मैं दूर कर सकता हूँ साइकोथेरेपिस्ट के मदद से। तो अब लिफ्ट के पास जाना, लेकिन जो कुछ अच्छा मुझे महसूस होता है ऐसा कुछ करना, यानी कि चॉकलेट खाना। तो ये जो लिफ्ट भयकारी है ऐसा जो प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग आहिस्ते आहिस्ते चेंज करना, ये बिहेवियर थेरेपी थी। तो अभी भी हम बच्चों के लिए भी ये बिहेवियर थेरेपी यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें रिवार्ड देना, उसने कुछ अच्छा किया तो हम रिवार्ड देंगे, और उन्होंने कुछ बुरा किया तो पनिश करेंगे, ये बिहेवियर थेरेपी है। जो कुछ जानवरों का ट्रेनिंग है वो सारे बिहेवियर थेरेपी से ही होता है। लेकिन बिहेवियर थेरेपी की एक लिमिटेशंस है। बिहेवियर थेरेपी मन के विचार जो कुछ आते हैं उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। तो इसके कारण बिहेवियर थेरेपी डिप्रेशन में लाभदायी नहीं थी, और इसीलिए साइकोथेरेपी में दूसरी लहर आई जिसे कॉग्निटिव थेरेपीज ऐसा कहते हैं। तो 1960s में अल्बर्ट एलिस और एरन बेक ऐसे दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिप्रेशन के पेशेंट पे काम करना शुरू किया। और डिप्रेशन के पेशेंट में बिहेवियर थेरेपी का लाभ नहीं होता था, वो फोबिया में ठीक होता था, लेकिन डिप्रेशन में जो कुछ मन के विचार होते हैं, तो वो विचारों का जो कुछ असर होता है वर्तन पे, वो तो बिहेवियर थेरेपी से दूर नहीं होता था। तो जो एरन बेक है वो डॉक्टर थे, और वो डिप्रेशन के पेशेंट के साथ बहुत साल उन्होंने काम किया। वो खुद भी मन में कौन से विचार आते थे वो उनका नोट डाउन करते थे, लिखते रहते थे, और पेशेंट के मन में कौन से विचार आते हैं वो नोट डाउन करते थे। तो उन्होंने एक ऐसी थियोरी बनाई कि अपने मन में जो कुछ विचार आते हैं उनका एक पैटर्न क्रिएट होता है, और जब वो पैटर्न मैं यूजलेस हूँ, होपलेस हूँ और हेल्पलेस हूँ ऐसा बन जाता है तो मुझे डिप्रेशन आता है। और ये जो पैटर्न है, मैं हेल्पलेस हूँ ऐसा विचार मेरे मन में बार बार आता है, तो ये जो कॉग्निटिव थेरेपी है उसमें उस विचार को चैलेंज किया जाता है, और वो विचार को बदलने का जो कुछ स्किल है वो सिखाया जाता है। तो विचार आना यानी कि कॉग्निशन। तो विचार जो कुछ पैदा होता है वो कैसे हम बदल सकते हैं इसका स्किल बढ़ाना, ये कॉग्निटिव थेरेपी में किया जाता है। ऐसी ही दूसरी कॉग्निटिव थेरेपी है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जो हमारे यहाँ और पॉपुलर है। तो उसमें ये जो विचार आते हैं मन में, उन विचारों के पीछे कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम रहती है। वो बिलीफ सिस्टम ढूंढना और वो बिलीफ चेंज करना, ऐसी ये अरिबिटी थेरेपी रहती है। तो जैसे कि अगर मेरे मन में ऐसा बिलीफ है कि मैं जब जूम सेशन लूंगा तो सभी जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स है वो पार्टिसिपेट होने ही चाहिए, तो होने ही चाहिए, ऐसा जब अगर मेरा बिलीफ होता है और अगर वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं होते तो मुझे फ्रस्ट्रेशन बहुत
इंटेंस फ्रस्ट्रेशन या मुझे बहुत इंटेंस एंगर होता है, तो इसमें ये जो इमोशंस होती है ये क्यों होती है, क्योंकि मेरा बिलीफ ऐसा है कि हर जो जितने भी एडमिशन ली है स्टूडेंट ने, उन सारे लोगों ने इस जूम मीटिंग में शामिल होना ही चाहिए। तो ये होना ही जितना इंटेंसिव होता है, जितना प्रबल होता है, उतनी मेरी इमोशंस इंटेंस होती है। तो रैशनल इमोटिव थेरेपी में ये ऐसे जो कुछ बिलीफ है उन्हें इरेशनल बिलीफ ऐसा कहा जाता है। तो बहुत से लोगों ने शामिल होना चाहिए ये ठीक है, लेकिन होना ही चाहिए ये ठीक नहीं है। जब मैं मेरा बिलीफ ऐसा चेंज करता हूँ, तो अगर सारे लोग शामिल नहीं हुए तो भी मेरा जो कुछ डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है वो अधिक बढ़ती नहीं है, वो एक हाइजीनिक स्वास्थ्य लेवल पे ही रहती है। तो ये है दूसरी लहर मानस उपचार में, मानस चिकित्सा में, उसे कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। लेकिन ये कॉग्निटिव थेरेपी फोबिया के लिए लाभदायी नहीं होती। तो कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी का इंटीग्रेशन हुआ, और इसीलिए आज REBT यानी कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। तो रैशनल इमोटिव इज अ कॉग्निटिव पार्ट एंड बिहेवियर थेरेपी, उससे इंटीग्रेशन हुआ। तो फोबिया के लिए बिहेवियर थेरेपी के टेक्निक्स यूज करने चाहिए, जैसे डीप ब्रीदिंग है वो है, तो वो भी कॉग्निटिव थेरेपीज में यूज किए जाते हैं। और ये जो कुछ मन में विचार आते हैं वो कैसे चेंज करें वो उसमें सिखाया जाता है। लेकिन इसके भी लिमिटेशन है। तो कई अपने क्लाइंट ऐसे होते हैं, उन्हें एक तो ये सिखाया जाना ये डिफिकल्ट है, और उन्हें ये विचार चेंज करना ये नहीं होता। तो इसीलिए 2000 में थर्ड वेव मनोचिकित्सा में आई, और वो है ध्यानाधारित मनोचिकित्सा। यानी कि जो हम सत्वावजे चिकित्सा करते हैं, जो चरकाचार्य ने बताई है, उस समय ध्यानाधारित ध्यान का इस्तेमाल करके की जाने वाली मनोचिकित्सा। तो 2000 में ऐसी कई मनोचिकित्सा शुरू हुई। तो उसमें से पहली मनोचिकित्सा थी डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, DBT। तो उन्होंने, तो उस समय ये जो ध्यान सिखाने वाले बहुत से कोर्स वेस्टर्न कंट्रीज में चल रहे थे, तो ये जो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट है उन्होंने ऐसे कोर्स किए। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो ध्यान है ये हम एज अ चिकित्सा यूज कर सकते हैं। तो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, उसमें ऐसा किया जाता है कि अगर आपके मन में ये जो कुछ निगेटिव फीलिंग है, मैं यूजलेस हूँ, ये आप चेंज कर सकते हैं क्या? अगर चेंज कर सकते हैं तो चेंज करो, अगर चेंज नहीं कर सकते तो उसका, उस विचार इस समय मन में है, उसका साक्षी भाव से स्वीकार करना, ये दूसरा चॉइस है। तो इसीलिए इसे द्वंद्वात्मक चिकित्सा ऐसा कहते हैं। हम सत्वावजय में भी ऐसे ही द्वंद्वात्मक चिकित्सा करते हैं। अगर आप विचार चेंज कर सकते हैं तो विचार चेंज करो, अगर विचार चेंज नहीं कर सकते तो उसका साक्षी भाव से स्वीकार करना संभव है, और वो पेशेंट को सिखाया जाता है। वैसे ही ध्यानात्मक जो कुछ थेरेपी है वो, और एक है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। उसमें 2 आवर्स का वीकली सेशन लिया जाता है, और 40 मिनट का ध्यान करना रिकमेंडेशन ऐसा होता है, और डिस्कशन होता है। और एक ध्यान आधारित थेरेपी है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। तो उस थेरेपी में ध्यान करने का रिकमेंडेशन नहीं होता, सिर्फ जब भी मन में बेचैनी है तो अपना ध्यान वर्तमान क्षण में लाकर उस बेचैनी के कारण शरीर में क्या हो रहा है उस पे ध्यान देकर जो कुछ हो रहा है उसे महसूस करना और उसका स्वीकार करना, यही टेक्निक एक्सेप्टेंस। तो ये स्वीकार यानी कि एक्सेप्टेंस, ये नाम में ही है उस थेरेपी के। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट, तो जो कुछ मैं एक्शन प्लान बनाता हूँ उसके लिए मैं कमिटेड रहना चाहिए, तो संकल्प। तो ऐसी ये थेरेपी है, लेकिन इस थेरेपी में ध्यान करने के लिए बैठना
ये सिखाया नहीं जाता। तो जब मैंने ये सब मनोचिकित्सा का जब मैंने स्टडी किया और मुझे ये सत्वावजय चिकित्सा मैंने पढ़ी थी, उसमें ये ध्यान के बारे में बताया था, तो मैंने इस पे सोचा कि ये एक्ट अभी अपने कुछ वैद्य भी ऐसे हैं जिन्होंने एक्ट थेरेपिस्ट ऐसे ये कोर्स किए हैं और वो खुद को एक्ट थेरेपिस्ट ऐसा बताते हैं। लेकिन 10 साल पहले मैंने यह तय किया कि मैं एक्ट थेरेपिस्ट नहीं हूंगा, मैं सत्वावजय चिकित्सक हूंगा, क्योंकि ध्यान तो हमारे पुरखों ने सिखाया है। ध्यान कैसे, यानी कि ये जो साक्षी भाव है, एक्सेप्ट ऑब्जर्विंग सेल्फ है, यही स्मृति विभ्रंश ऐसा चरकाचार्य ने बताया है। तो जब मुझे मेरे ये ख्याल आया कि सत्वावजय चिकित्सा ये चरकाचार्य ने बताई है, तो मैंने ये संहिता का अभ्यास करना शुरू किया। और ये जो 2-3 थेरेपी मनोधार माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में यूटिलाइज होती थी, उनका इंटीग्रेशन अपने थेरेपी में किया। तो जो 40 मिनट का ध्यान था, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि यहाँ लोग 10 मिनट का ध्यान करने के लिए भी टाइम स्पेयर करना उन्हें मुमकिन नहीं होता, लेकिन 10 मिनट के लिए तो हमें रिकमेंडेशन करना चाहिए। तो 10 मिनट के लिए ध्यान करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बाद में जब जब हमें महसूस होता है कि मन में धारणीय वेग है, तो शरीर में जो कुछ होता है उस वेग के कारण उसका स्वीकार करना चाहिए। तो अब न्यूरोसाइंस में इस पे बहुत रिसर्च हो रहा है कि ऐसा हम करते हैं तो उसका ब्रेन पे क्या असर होता है। तो मैं जब सत्वावजय चिकित्सक ऐसा काम करना मैंने शुरू किया, तो उस समय मैंने ये जो ध्यानाधारित चिकित्सा पद्धति का स्टडी किया और उसका इंटीग्रेशन करके जो अब अपना कोर्स मटेरियल है जो आप सीख रहे हैं, वो उस मनोधारित चिकित्सा पद्धति और अपने संहिता ग्रंथ में जो कुछ बताया है उसका इंटीग्रेशन करके मैंने स्वयं को सत्वावजय चिकित्सक ऐसा लेबल लगाना, मेरी एक इमेज क्रिएट करना शुरू किया। लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ मैं अकेला सत्वावजय चिकित्सा अगर मैं करता रहूंगा तो ये थेरेपी री एस्टैब्लिश करना संभव नहीं है। उसे अगर जैसे ये रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है या ध्यानाधारित जो और थेरेपीज वेस्टर्न कंट्रीज में भी यूज होते हैं, वैसी ही हम सत्वावजय चिकित्सा भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए एक तो बहुत लोगों ने खुद को सत्वावजय चिकित्सक करना कहना चाहिए, और ये जो कुछ हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, पेशेंट का रिसर्च करेंगे, वो मल्टी सेंट्रिक रिसर्च होना चाहिए। सिर्फ बंबई से एक जगह से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो गुजरात से भी होना चाहिए, नागपुर से होना चाहिए, पुणे से होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये सत्वावजय चिकित्सा कोर्स के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से कॉन्टेक्ट करना शुरू किया, और 2 बरस ऐसा काम करने के बाद कालिदास विद्यापीठ ने इसे रिकॉग्नाइज किया, तो उन्हें भी अपने ग्रंथ में जो मन के बारे में जो कुछ ये संदर्भ है, जो कुछ रेफरेंस है, वो दिखाने पड़े। क्योंकि यूनिवर्सिटीज के जो कुछ डिग्नेटरीज होते हैं वो तो इतना ही जानते थे कि आयुर्वेद तो जड़ी बूटी का एक साइंस है और वो दवा देने वाला साइंस है, उसमें ये मनोचिकित्सा कैसी होगी। तो इसमें भी मनोचिकित्सा है, तो मैं जो आपसे जो कुछ शेयर करता हूँ, जो रेफरेंसेस शेयर करता हूँ, वो मैंने सब ये यूनिवर्सिटी के जो कुछ डिग्नेटरीज है उनसे भी शेयर किया, तो उन्होंने इस कोर्स को रिकॉग्नाइज किया। और इसीलिए अब आप आयुर्वेद सत्वावजय चिकित्सक ऐसा सर्टिफिकेट कालिदास यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो ध्यान का टेक्निक है वो आप भी खुद एक्सपीरियंस कर ले। शरीर में जब धारणीय वेग पैदा होते हैं तो शरीर में क्या होता है उसका स्वयं एक्सपीरियंस कर ले। और ये जो काउंसिलिंग का टेक्निक है, काउंसिलिंग का स्किल है,
वो भी हमें डेवलप करना चाहिए। और ये सत्वावजय चिकित्सा आप युक्ति व्यपाश्रय के साथ साथ भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो मानस हेतु है वो क्योर करने के लिए सत्वावजय चिकित्सा ही आवश्यक है, क्योंकि वो रज्जो और तमो विकृति होती है और रज्जो और तमो विकृति दवा से दूर नहीं हो सकती। वात कफ पित्त दोष है तो वो दवा से दूर हो सकते हैं, लेकिन रज्जो और तमोगुण की विकृति अगर दूर करना है तो उससे के लिए ध्यान का अभ्यास, ध्यान देने का अभ्यास यही आवश्यक है। तो मैं आपसे विनंती करता हूं कि आपके मन में अगर इस बारे में कोई ना कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछते रहना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये सत्वावजय चिकित्सा अपने क्लिनिक में यूज करके उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डिफरेंट फिजिकल डिसऑर्डर्स में भी ये सत्वावजय चिकित्सा आप यूज कर सकते हैं, और इमोशनल डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक जो अब कोरोना के कारण बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ये सत्वावजय चिकित्सा यूज कर सकते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट जो कुछ 6 मंथ्स है वो हम कनेक्टेड रहेंगे, और उसके बाद में भी हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और ये अपने सत्वावजय चिकित्सक का एक अच्छा ग्रुप बनाकर ये सत्वावजय चिकित्सा का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उस पे रिसर्च करेंगे और एक मनोचिकित्सा ऐसी ये पुनर्स्थापित करेंगे। इसके लिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है और वो सहयोग आप दे ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू।